2020 और 2021 के इन दिनों में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा किसान संघर्ष है। राजधानी नई दिल्ली की सीमाओं से अलग अलग राज्यों से किसान आते हैं। वे जो बुला रहे हैं वह न केवल किसान आंदोलन है बल्कि किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ एक आंदोलन है। यह उनकी भावना, उनके आंसू और उनके दुख है। नया किसान अधिनियम एक ऐसी स्थिति की ओर ले जा रहा है जहां कृषि इच्छा शक्ति विभिन्न तरीकों से किसानों की कमर तोड़ रही है। केरल की पेरुम्बावूर सनपोल्स के मार्तोमा यूथ गठबंधन के मित्र भी इसके खिलाफ आंदोलन में भाग ले रहे हैं। यह वीडियो प्रस्तुति सभी किसानों को समर्पित है। सीमा की रक्षा करने वाला जवान कितना महत्वपूर्ण और कितना महान है, ऐसे ही हम भी जोर से कह सकते हैं कि खेती करने वाला कृषक भी महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने भारत को उन कानूनों के तहत शर्तों के लिए तैयार करें जो भारत में हर आम आदमी को उनके पक्ष में लाभान्वित करेंगे। सभी बधाइयां और शुभकामनाएं। धन्यवाद। किसान मिट्टी से संघर्ष करने वाले जो रेत से सोना उगाते हैं, श्रम के पसीने के बत्थों पर गर्व करते हैं। जब पसीने के बहबूंद मिट्टी पर गिरते हैं तो भूमि अच्छी फसल देती है। उनका जीवन का अधिकांश भाग मिट्टी में रहकर व्यतीत होता है। उन्हें धरती का पुत्र बताना गलत नहीं है। ये किसान है। कोई भी धार्मिक पहाड़ी ऐसा नहीं है जिसमें किसानों या कृषियों का उल्लेख न हो। ऐतिहासिक रूप से हमारी सभी संस्कृतियां कृषि से विकसित हुई है। ईसाई धर्म के अनुसार पहले आदमी को बगीचे की रक्षा करने और काम करने के लिए धरती पर लाया गया है, तब कृषि जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये किसान आज क्या अनुभव कर रहे हैं?
கதிர் கதிர் கொண்டு வாயோ, கண்ணை கட்டி கொய்து கூட்டி வாயோ, கதிர் 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 கொண்டு வாயோ. नमस्कार, एशिया प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। किसान संघर्ष तेज हो रहा है। निशांत दिल्ली से हमारे प्रतिनिधि इन संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है। हेलो निशांत, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो निशांत। हेलो शाइनी, सुन रहा हूँ। निशांत, किसान संघर्ष की वर्तमान स्थिति क्या है? किसान शांत हुए क्या? क्या केंद्र सरकार ने उनकी स्थिति की जानकारी दी और क्या विवरण? हाँ शाइनी, दिल्ली में किसानों की हड़ताल गर्म हो रही है। हम यह निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि देश स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े कृषि आंदोलन के शुरू पर है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संसद द्वारा पारित 3 कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला देखी जा रही है। हम बिना किसी संदेह के कह सकते हैं कि यह कृषि संघर्ष किसी भी सरकार के पतन का परिणाम है, जो कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और कानून के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो संविधान की मूल संरचना को कमजोर करता है। मंत्रियों के साथ तत्काल बैठकों हुई है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए इन किसानों ने, जिन्होंने जमीन के लिए अपनी जान दे दी, अपनी कृषि भूमि महिलाओं को सौंपकर दिल्ली की सड़कों पर आए हैं। निशांत, एक पल के लिए कि केवल कृषि समुदाय इस कानून के खिलाफ इतना विरोध क्यों कर रहे है, या यह फार्म अधिनियम कृषक समुदाय को कैसे प्रभावित करने वाला है? हम एक और ध्यान देने वाली बात है कि यह कानून न केवल किसानों को बल्कि मेरे और आप सहित सभी सामान्य लोगों को प्रभावित करता है। एग्रीकल्चर बिल, जिसमें 3 कानून थे, संसद द्वारा 27 सितंबर को पारित किए गए और फिर हमारे सम्मानित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर किए। नतीजतन भारतीय खाद्य निगम, जो देश की खाद्य सुरक्षा का बीमा करता है, एक ऐसी स्थिति में है जहां सब कुछ कॉरपोरेट्स द्वारा लिया जाता है। नतीजतन भारतीय खाद्य निगम की बढ़ती मांग है, जो देश की खाद्य सुरक्षा को कॉरपोरेट्स या बड़े निगमों में बदल दिया जाता है। इसलिए एक किसान का मूल समर्थन मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। किसान का MSP केवल कॉरपोरेट्स द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसी तरह यह संदिग्ध है कि क्या अनाज का बाजार मूल्य तय किया जाएगा और क्या इस कॉरपोरेट्स के पास भविष्य में गरीबों का राशन वितरण भी होगा। हम जो देख सकते हैं वह इन खतरों के विरोध में एक राष्ट्रव्यापी विरोध है। जब देश की राजधानी में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, तब भी केंद्र सरकार या कृषि मंत्री कोई भी मुड़कर नहीं देखा है। इसी तरह
किसानों दिल्ली की सड़कों पर उतर आए और गर्मी और सर्दी के बावजूद लगभग 3-4 सप्ताह तक बहुत धन्यवाद निशांत। चलिए वापस चलते हैं। दिल्ली में किसानों की हड़ताल का असर यह देखा जाना बाकी है कि कल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ अनाज की कीमतें बढ़ेगी या नहीं। केंद्र सरकार जो कि डिमोनेटाइजेशन, GST, नागरिकता संशोधन पर प्रदर्शनकारियों पर टूट रही है, इन किसानों को रोकने में सक्षम होगी। प्रियो, हमारी अधिकांश जनसंख्या किसान है। कोई भी व्यक्ति कृषि पर निर्भर हुए बिना इस देश में जीवित नहीं रह सकता है। हमें कृतज्ञता के साथ सुनना चाहिए, बल्कि अपने कानों को उनके रोने के लिए बंद नहीं करना चाहिए। क्या हम उन्हें याद कर रहे हैं? भोजन दिव्य है। भोजन उपलब्ध कराने वाले किसान के सामने चुगने में कुछ भी गलत नहीं है। यदि कृषि सुधारों को, सामाजिक तकनीकी सुधारों को बढ़ाना है तो इस कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यह हम सेंट पॉल स्मार्टोमा यूथ गठबंधन ने किसान संघर्ष के साथ एकजुटता की घोषणा की और जीत की कामना और प्रार्थना की।